सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4 और हस्बैंड जा रहे हैं अपनी बिजनेस ट्रिप पे। तो आज वो सुबह ही चले जाएंगे और रात में आएंगे। वो रेडी हो रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, पता नहीं इनके बगैर कैसा होएगा। मैं तो सुबह ही उठ गए हम 4 बजे से, मतलब मैं तो सोई नहीं कि मुझे इन्हें उठाना था। अगर मैं उनको सो जाती ना, मैं तो शायद ही उठा पाती। तो इनकी फ्लाइट है 5 बजे की। सुबह हो रहे हैं रेडी। यहाँ मूसा सो रहा है, यहाँ हयात सो रही है। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ए भाई, चंडीगढ़ से कुछ भी मेरे लिए खास हो ना, वो ले आना, ठीक है। तो भाई, आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। सुबह 4 बजे मेहनत देख रहे हो, डेडिकेशन देख रहे हो, डेडिकेशन। चलो इनको करते हैं अलविदा, सोएंगे, फिर सुबह मिलेंगे आपसे। ज़रूरत है क्या आपको? तो आप खैरियत से जाइए, खैरियत से आइए। हाँ, दम कर लीजिएगा, अल्लाह पाक आपकी सक्सेसफुल रहे। चलो ठीक है, निकल चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है आशी की दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जो नए चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, आज का सीन ऐसा है जैसे आपने देख ही लिया है। हस्बैंड चले गए हैं अपने काम से, अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और अल्लाह पाक कामयाब करे उनको। देखो, जेंट्स लोगों को जाना पड़ता है हमारा घर चलाने के लिए घर से दूर, और हमें उनके पीछे घर को संभालना पड़ता है। ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमें अच्छे से निभानी चाहिए। तो उसी जिम्मेदारी में मैं लगी हुई हूँ। मूसा का कर रही हूँ मैं टिफ़िन पैक, और मूसा आ गए हैं फ्रेश हो गए। हो गए फ्रेश, फ्रेश हो गए, अनफ्रेश हो गए क्या हुआ? तो गाइस, चले मैं मूसा का टिफिन पैक करती हूँ जल्दी से। और हाँ, मैंने अपनी सिस्टर अरुबा को बुला लेता है, क्योंकि मुझे फिर ना वो कभी लेट हो जाए। दूर गए हैं काम से, चंडीगढ़ गए हैं वो। अगर थोड़ी बहुत क्लिप्स हुई वो भेजें मुझे, तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी इस व्लॉग में। और मैंने बुला लेता है अपनी सिस्टर को। ये देखो, पड़ी हैं यहाँ पे, मस्त पड़ी हैं। ये कोई चिंता नहीं है कि बच्चे बच्चे को भी तैयार व्यार कराने। तो गाइस, आज होने वाली बहुत सारी मस्ती। चले पहले हम बनाते हैं टिफिन। सो गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का आलू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ये ना फ्रिज में रखा हुआ था सब सामान, मटेरियल ये ना बहुत फ्रीज हो रहा था, तो बनाना एक ही तरीका बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। आप हाफ में एक रोटी पूरी बेल के जो रोटी बनाते हैं उसमें ये आलू का मेथड जो आप आलू पराठे में यूज़ करते हैं, वो हाफ तरफ ऐसे बिछा लें, अच्छे से स्प्रेड कर लें, गुठलियाँ वगैरह जो भी उन्हें अच्छे से स्प्रेड कर लें। और इसको क्या करें, आधे हिस्से को इसी पर वापसी पलट दें और इसे रैप कर दें अच्छे से, देखिए इस तरीके से। और इसको साइड से अच्छे से सील कर दें ताकि ये ना फटे नहीं या साइड से आलू वगैरह निकले नहीं। तो ये भी एक इजी तरीका है जो आलू नहीं पर आलू के पराठे नहीं बना पाती हैं उन लोगों के लिए, तो वेरी इजी रहता है। थोड़ा बहुत मैंने स्टाइल वगैरह भी कर दिया था इसको। चलो मूसा, बाय। हाँ, तू हयात भी जा रही है छोड़ने। चलो अच्छे से पढ़ाई करना, बाय, अल्लाह हाफिज। सफाई फाई से हो गए हैं फारिग और हयात भी नहा लिए। तू क्या कर रहे हो? हयात ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है और मैंने जला रखी है। मैं लाइट, देखो कितनी प्यारी लग रही है।
लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं वाईफाई की वजह से ना मैं उसके प्लग में लगा नहीं पा रही थी, पर अभी जब हमने सिर्फ वाईफाई करी थी, आपने देखा होगा व्लॉग, तो मैंने ना इसकी लीड जो उधर थी लास्ट वाली वो मैंने इधर खिंचवा के, तो अब वहाँ पे तार आ पा रहा है, तो अब मैं इसको इंजॉय कर पा रही हूँ। आई लव दिस लाइट। तो हम बैठे हुए हैं, हयात इंजॉय कर रही है अपनी शूज कोकोमेलन टाइप, और हम बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं फिर आपसे मिलते हैं, और देखते हैं हम दोनों बहनें क्या क्या खुराफाती करती हैं आज। टाइम खा रहे हैं हम कल रात की अरवी, हयात का आगे चीनी पराठा, और ये रही अरूबा मेरे कपड़ों में, अच्छी लगती है दूसरे कपड़ों में। चले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। आ गए हैं नीचे अपनी दादी के साथ हैं, तो वो जा रहे हैं उन्हीं के साथ, मैं यहाँ पर उनकी बोतलें भराई हैं। माशी सूजी ने दो बोतलें भरवाई हैं बड़ी बड़ी, अल्लाह जाने की भरवाई हैं, तो वो मुझे नीचे लटकानी है, कौन सा सामान लेना है। चलिए चलते हैं। डाल दी इसमें, वो मुझे नीचे देनी है दादू का, पता नहीं ये एकदम मूसा इनके मेरठ वाले दादू हैं शायद, और अब पता नहीं कहाँ। चलो उन्होंने मुझे बोला है यहाँ पे से बोतल लटका दो, और वो खुद ऊपर आ रहे हैं। जी बात है, चलो वापसी डाल दो। मगरिब हो चुकी है और हयात सो के उठ चुकी है, और अब लगी है थोड़ी थोड़ी सी भूख, और क्योंकि जब दो जने होते हैं ना वो बातें कर करके ना थक जाते हैं, और कोई लोग तो बस ताका झाकी में ही लगा रहता है, जैसे कि ये। और हयात रो रही है, क्या हुआ मेरे आतू को? आतू पापा को मिस कर रहा है। बस आ रहे हैं, हस्बैंड भी निकल चुके हैं, इंशाल्लाह हमारे पास 12 बजे तक होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगभग साथ फिर से आए। तो हम कर रहे हैं अभी तो ब्रंच की तैयारी, ब्रंच के बाद करेंगे डिनर की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड आके घर में ही खाना खाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, और थोड़ा सा हरुबा को करते हैं परेशान, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड तो है नहीं, तो कुछ सामान वामान मंगा नहीं सकती, और इसके लिए भी क्या मंगाएं, घर की तो बात है, दाल चावल तहारी वगैरह में चीज आती, मैं चावलों में ही खुश हूँ, रोटी से मेरा पेट नहीं। हाँ सो गाइस, तो मैंने डिसाइड करा है रुबा के लिए बनाने के लिए, रुबा के लिए ये समोसे, ऐसे में काफ़ी दिन हो गए थे महीना भर से, मैंने कहा चलो कोई तो आया खाने के लिए। जली ना तेरी भी जली ना। देखो कोई बात नहीं, किसी के मुंह लग जाए फिके ना, बस हमारा तो यही रहता है इरादा, कहीं हम अपने मुंह में डालेंगे। मतलब फीका हुआ भी खा लेंगे भाई, कोई वो नहीं है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो मतलब मैं कह रही हूँ अभी, मतलब हार नहीं मान रही, ये नहीं कह रही कि नहीं खाऊंगी बहन, नहीं क्या खिला रही हूँ, मतलब एक महीने था, दो महीने थे, आठ कितने महीने हो गए इसको, आदो भी लाइक 5 महीने। कोई बात नहीं, 5 महीने ही तो, अब तो आग लगने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी आग लगी थी, पीछे हट जाओ, हाँ हट जाओ, हट जाओ, सब दूर हट जाओ, हाँ तो पीछे जाओ। लास्ट टाइम पता है इसमें ना आग लगी, पानी आ जाता है ना, आई सारी हो, वो तो गैस ना वो थी, वो ना थी, क्या हो रहा है, मैं नहीं तो कौन पे, मैंने बचा लिया तुमको। तो गाइस चलें, यहाँ तो चल रही है तैयार, इसके बाद मिलते हैं चूल्हे पे, और ना बंद हो जाती है फुफारी, मैंने चूल्हे पे, चूल्हे पे मतलब चूल्हे पे मारूंगी ना ये। हाँ। तो वो आँच जो, अच्छा मतलब हमें फूक यहाँ नहीं, यहाँ मारनी चाहिए, ताकि जो है जल्दी से गाय से दोनों दोनों चाहिए। मुझे आज अपनी जिंदगी में, मतलब पूरी जिंदगी गुजारने के बाद मिली है, जब इतना नुकसान मैं कर चुकी हूँ, काफी नुकसान, दो तीन रबड़ियाँ बना चुकी हूँ। तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, गए हुए जैसे आपको पता है, तो ना मेरा कुछ खाने का मन नहीं चाह रहा, सच में गाइस कुछ भी खाने का मन नहीं चाह रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिल परेशान सा, कुछ ना खाऊं पीऊं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली सच में गाइस। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूं, देर में मिलती हूं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती, जिस दिन से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, खाने हैं अब, स्नैक टाइम हो चुका है, मतलब इसे अरूबा ही खाएंगे, मैं तो ये खाऊंगी, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है रीज़न, देखें ये देखें, मतलब डायरेक्ट उससे कौन खाता है मियोनी जैसे, हद है यार अरूबा, हद, गलत बात है,
चले गए, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। डिनर बनाने का टाइम, हस्बैंड भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। अभी तो टाइम है, बैठ चुके हैं वो अपनी ट्रैवल दिन की यात्रा पे। तो मैं बना रही हूँ खाना, खाने में मैं उनके लिए बना रही हूँ शाही पनीर और तहारी, उनका फेवरेट है। देखो जब घर से दूर होता है, चाहे एक दिन के लिए रहे इंसान, बट उसे घर की याद आती है, तो घर की याद को पूरा करने के लिए जल्दी से डिलीशियस से डिनर उनके लिए रेडी करते हैं। तो मैंने आपको शाही पनीर की तो काफ़ी बार रेसिपी दे रखी है, तो उसमें बस आज तहारी कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी आप लोग कहोगे क्यों दिखा रही हूँ, बट मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं बना रही हूँ तहारी। चलो लेट्स गो। कई तहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर, तहारी तो हर किसी को आती होगी। और इसमें डालनी है ज़ीरा, इसमें टमाटर प्याज आलू सब जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और सारे मसाले जाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लीजिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को आप ज़रूर अच्छे से भूला करें, मैं हर बार यही बोलती हूँ, खाना हमेशा तभी सही बनता है वरना अच्छा नहीं बनता। तो मसालों को आप अच्छे से भूनें तो ही आपका खाना अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। और देखें इसे अच्छे से भुनने के बाद इसमें आलू डाल देंगे, अच्छे से आलू को भी हम मिला लेंगे ग्रेवी के अंदर। और फिर इसके अंदर जो पानी है, में हमने चावल भिगो के रख रखे थे, बस मैं जल्द बना रही हूँ हाफ। सो गाइस चावल लेने में लेंगे एक। सो गाइस यहाँ बन चुका है मेरा शाही पनीर, इसकी मैंने पहले भी रेसिपी शेयर कर रखी है, आप चाहें तो उसमें जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी इसका। ये तो मेरी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं पनीर डालना है एंड डिनर इज रेडी। मूसा दिखाना, मूसा देखो अब आए हैं और कितने बज रहे हैं 9। तुम कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? ओहो क्या लाए हो? फ्रेंच फ्राइज और मोमोज। ओहो मजे आ गए। चलो खाओ। ये फ्रेंच फ्राइज और वो क्या है? मोमोज। चलो खाओ। उनका आ गया है फोन, आने वाले हैं वो, तो जल्दी से आ जाए, बस इंतजार है उनका, और आके फिर खाना खाएंगे साथ में। मैंने खाना भी नहीं खाया, मतलब डिनर नहीं करा, डिनर मैंने सोचा उनके साथ करूँगी, तो वो आ जाते हैं डिनर लगाते हैं और वो आ जाएं तो आपसे भी मिलवाते हैं। आज तो आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा पूरे दिन से। हस्बैंड आने वाले हैं तो रोटियों की जिम्मेदारी दी है अरूबा अहमद ने, तो चलें देखते हैं इनकी फर्स्ट रोटी का कैसा है। ऐसे बना तो गोल गोल रही है मम्मी, वो कौन से बच्चों की वो थी, अरे मम्मा की पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल पूरी दुनिया गोल। आप लोग भी कमेंट करके बताना अगर आपको ये पूरी याद है तो। आप लोग मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस बना के बच्चों की, मैं हो सके तो वो पार्ट डाला करूँगी, कैसा रहेगा आइडिया? हाँ, मेरे पास आइडिया है एकदम से कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, अगर किसी सब जिसकी वीडियो या जो भी आपने शूट करा होगा व्लॉग के तरीके से, या आप 30 सेकंड का 15 सेकंड तक का ही भेजिएगा तो मैं अपने वो व्लॉग में लूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, जो जिसकी वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो आप लोगों को करना क्या है, मेरा DM करिएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उसके अंदर DM कर दिएगा, देखिएगा जिसकी वीडियो मुझे पसंद आए वो व्लॉग के अंदर आएगी। मेरा बच्चा ये लुट पिट के कितने बजे आ रहे हैं? 12 बजे। ये भी थे मौका है वारदात में। देखो इनके पापा इनके नहीं ख्याल आए, ये लाए मैजी, वो हमने बचपन में खूब खाए, मुंह में डालते ना पटाखे फूटते ऐसे, नहीं रुक जाए इतने कम से थोड़ी कुछ होगा, आकर जबान बाहर निकल, बस आकर आ रही है बस पटाखे फूट रहे हैं। मेरी बहन बेचारी अरुबा को कितना मार रहे हैं।
अरे हटो, अरे हट जाओ बेचारी, ये मैं सोचने का कोई नहीं है, मैं हूँ अभी जिंदा, अभी हम जिंदा है। अच्छा और तुम एक मारोगे मैं तुम्हारे 10 मारूंगा, 1 2 3 4। अरे बबली शक्ल तो दिखा, कैसी हो रही हालत? रात बहुत हो चुकी है, तो ब्लॉग को करते हैं ना आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। हो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।